प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री करमवीर सिंह पहुंचे और रक्तदान कर रहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और पूरा देश आज प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना कर उनके जन्मदिन के अवसर पर कर रहा है। जिस तरीके से वो गरीबों की सेवा करते रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में रक्तदान कर रक्त की कमी के कारण परेशान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने की कोशिश करी है। वहीं इस मौके पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर जिले से कम 74 यूनिट रक्तदान करने का लक्ष्य युवा मोर्चा ने रखा है। नहीं, बैठक तो लगातार ही चलते रहती है यार, इसलिए उस बैठक को मैं बता भी नहीं सकता हूँ, चूँकि बैठकें लगातार चलती रहती है। अभी उनके साथ बैठे, फिर अभी बैठेंगे, अभी तो बैठकें चल रहा है। क्योंकि आप सबको जानकारी में है कि 20 तारीख से संकल्प यात्रा है, और संकल्प यात्रा में कई नेता आ रहे हैं, 6 स्थानों से संकल्प यात्रा है, लेकिन 20 से जहाँ साहेबगंज के भोगनाडी और गिरिडीह के झारखंडी धाम से जो प्रारंभ होगी, उसमें देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसमें उपस्थित होंगे, रहेंगे, सभा को संबोधित करेंगे। आप सब लोग भी उसमें ज़रूर आए, सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।